सारी मुफ्त दे रहे हैं। फागू टप दुर्गा माता का टेंपल दिखाते हैं, प्राचीन काल का टेंपल है, हजारों साल पुराना, महाभारत के टाइम का बना। ये टेंपल बनाया पांडवों ने, पांच पांडव यासी साथ। ओके गाइस, तो ये पीक पॉइंट था जिन पे इन्होंने इलीगली कब्जा किया हुआ है। तो आई रियली एडवेंचर करना है? नहीं भैया, तो इस पे इलीगली कब्जा किया हुआ है, बट मेरे को कहीं पे भी दिखा नहीं है। गवर्नमेंट चार्ज इन्होंने अपने मनमर्जी के चार्ज बनाए हुए हैं, जो कि बहुत गलत पॉइंट है। एक गलत चीज़ है कि बंदा इतनी दूर से चढ़ के आ रहा है, बट आप लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, ना उसको कुछ देखने दे रहे हैं। रस्सियाँ लगाई हुई हैं, अगर आपको आगे जाना है तो 200 रुपये दो और जाओ, फ़ोटो खींचो कुछ करो, वरना उनकी टेलीस्कोप है, उनसे चाइना बॉर्डर वगैरह आसपास पड़ती है तो उनको दिखो। अरे डर क्यों रहे? तो ये है गाइस कुफरी का स्की ग्राउंड, जहाँ पे दम तो हमें लगाना है, स्की कुछ नहीं लगाएगी। ओके गाइस, सो आई हैव रीच्ड टॉप ऑफ द कुफरी। सो ये फाइनल डेस्टिनेशन है मंदिर, और पीछे है एप्पल गार्डन, तो मे भी मैं वहाँ जाऊँगा। काफ़ी बर्फ़ है तो चिकना ज़्यादा हो रखा है, तो मैं भी दो तीन बार गिरा हूँ। मे भी उस टाइम रिकॉर्डिंग चालू थी, तो आप लोगों को दिखाऊँगा अगर मिला मेरे को गिरने वाला। काफ़ी लोग गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए। बर्फ़ में मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, तो मेरे को भी नहीं पता था कि बर्फ़ में कैसे चलना होता है। तो कहीं जगह पर आपको लगेगा आप गिरोगे नहीं, बट वहाँ पर इतनी फिसलन होती है, पैर रखा और सीधा नीचे स्लाइड। तो 360 व्यू। हाय, मैं भी हूँ। तो ये भाई थे, ये भाई मेरे को कुफरी मिल गए थे। आई लिव इन बिहार। हाँ, भाई बाबू बिहारी से हैं, सॉरी बिहार से हैं, बिहारी बाबू। तो बोले कि अकेला हूँ यार, मैं अकेला क्या घूमू। मैं बोला भैया चलो मेरे साथ चल पड़ो, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। अच्छी लगी भैया की कंपनी, और बस मस्त मोहल्ले बंदे हैं यार। चलिए आगे देखता हूँ, शायद मैं भी मैं एप्पल गार्डन की तरफ जा रहा हूँ, अभी देखता हूँ उधर से कुछ मेरे को व्यू दिखा। एक्चुअली जो भी यहाँ की व्यूज़ हैं, सब यहाँ के लोकल बंदों ने हेरे हुए हैं, तो किसी को जाने नहीं देते हैं, चार्जेस लेते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, और एक को टिप देनी थी, नीचे से कुछ भी बुक मत करके आइए, स्की वगैरह करना है जो भी करना है। और स्की का वीडियो मैंने मे बी इससे पहले या बाद में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। स्की ग्राउंड कुछ नहीं है यहाँ पर, छोटा सा ग्राउंड है, उसी में आपको स्की करवाते हैं। प्लेन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में कभी भी स्की नहीं होती है, वो सिंपल सी है। चलो चलो चले। और ऊपर आके चार्जेस आधे से भी कम बोलते हैं। देख, तेरा बस तो हो जल। तो अब नीचे जाएंगे, देखते हैं। और ऊपर आके नीचे स्की चार्ज बोल रहे थे 1000 रुपये पर बंदा, ऊपर बोल रहे हैं 300 रुपीज़ पर बंदा। 200 रुपये तक वो मेरे को बोल रहा था, बट स्की ग्राउंड था नहीं कुछ। भाई मैंने कभी की नहीं है, तो मेरे को चोट नहीं खानी थी। आपको आगे का ग्राउंड दिखाता हूँ। या तो जान नहीं तो भाई फिसलन ज़्यादा है, तो समझ नहीं रहा है। चल 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 चल। वो बैठ के ही जा रहे भाई, वो तो भाई उन्हें से। अरे अरे अरे, अरे। देख लिया होगा कैसा रास्ता, ये देखो ना, इस साइड से चलो ना, वो पकड़ के नहीं ना उसी। अरे अरे अरे, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। भाई कहाँ से जाऊँ, यहाँ पूरा फिसलन भरा हुआ है। अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, भाई दीपू गिर गया, गिर गया मैं तो। दीपू इधर आ जा यार, अबे मैं गिर गया। भाई साहब हो गया सबका काम, बताता हूँ मैं। बवाल नीचे तो उतर लूँ पहले, बवाल तो बाद में बताऊँ मैं। भैया ये कैमरा है, कैमरा ये वही है हेलमेट पे। हाँ हाँ वही वाला है, हाँ एक्शन कैमरा है। पीछे से तो हाल बुरा होगा भैया, पीछे का हाल देखना।
भाई बहुत तीस लेना भाई, उधर से आओगे स्लिप करेगा ना भाई, आप गलत जा रहे हो भाई। तू आंधे जहाँ से आ रहा हो नीचे उतरना है ना, तो मजा आता। अरे सब चल रहा है भाई, एक मिनट एक मिनट मार दी। अरे भाई भाई हाथ जम गया। अरे भाई जम जाएगा हाथ तब तक तो मेरा। तू ये ले ले इधर मेरे साथ। नहीं 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 इस पे लग जाएगा ना ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रुक इस पे आप ओके करना। एक मिनट मेरी इधर पीछे मत जाइए भाई, मेरे हाथ जम। नहीं आप भी लो, आप भी लो, मेरे हाथ जम गए, आप भी लो। फोन नहीं आया भाई, हाथ जम गया, हाथ जम गया, हाजम गया, हाजम गया। ओ भाई साहब इसको भी यार ठंड लग गया। अरे भाई भैया हम गलत आए हैं, देख उधर से आना था हमें। ये रिक्स है तो दुनिया है भाई, रिक्स नहीं भैया। हम आए हैं सबसे मुश्किल रास्ता था ये वाला, ये इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ये आसान वाला था, ये है मुश्किल वाला सबसे। हम गए थे पहले उधर से ऐसे 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 सबसे ऊपर चढ़े, फिर वापस नीचे उतर रहे। रुक जाना भाई एक मिनट, पैर स्लिप हो गया। उधर से चढ़ेंगे, इधर से ना आएंगे भाई। भाई इतना मुश्किल है भाई, पीछे का बम का दम सब निकल चुका है, नक्शा बिगड़ चुका है। नहीं वो उधर से जो आ रहा है वो इधर से जा रहा है। हाँ वो वही बात है ना, हम उल्टा चले जाएंगे भाई, चढ़ना बहुत मुश्किल है, देखना। चल देखते हैं इसमें क्या होता है, चल पहले आराम से भाई। एक मिनट एक मिनट, चल चल ना भाई, आराम से आऊंगा मैं भाई। भैया बहुत जान ले सकते हो लेकिन ऐसा नहीं मुझको भैया। भैया लाल हाथ हो गया मेरा, गीला हो गया पूरा। अरे होंदे बर्फ से नहीं नहाया तो क्या नहाया भैया, बहुत बिक जाएगा। हो गया हो गया। हेलो, अरे बर्फ से नहीं नहाया तो क्या नहाया, ये आप भी ले लो। नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं भाई, भाई 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 लोग काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, बट बहुत गिरा भी हूँ और बम पे लगी भी है, पैंट तो पीछे से पूरी गीली हो चुकी है। अभी देखते हैं, पहले तो मैं कुछ चाय वाय पीता हूँ यार, हाथ तो मेरा बिल्कुल जम गया है। तो गाइस लंच टाइम, लंच में और तो कुछ है नहीं है ना, देसी बर्गर और चाय। और जो कुफ्री आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं अभी, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस आया हुआ है आर्मी का कि खाली करने को 31 मार्च के बाद, बट इन लोगों ने कुछ डाला है पिटीशन वगैरह, खाली मत करवाएं। और एक और चीज़, यहाँ से कुफ्री ऊपर आने का रास्ता भी है और नीचे अलग जाने का एक अलग से है, जो एप्पल गार्डन वगैरह होके जाता है, सीधा हाईवे पर मिल जाता है। जो लोग अगर नीचे से शू नहीं लेते हैं, ये जो मैंने लिए थे अलग से लंबे वाले बर्फ़ वाले, अगर अपने खुद के शू में आ रहे हो तो आप उधर से भी जा सकते हो, वापस से उधर गंदे वाले रास्ते से जाने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में आप एप्पल गार्डन वगैरह भी देख लोगे। चलिए मैं अपना लंच कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ जो भी आसपास, जो भी मेरे को टाइम है और मिलता है देखने के लिए। ओके गाइस, तो गिरने का सिलसिला जारी है, मैं कैमरे को एक्चुअली अंदर रख रहा हूँ, 6 से 7 बार गिर चुका हूँ मैं, और वहाँ से खा के मैं निकल चुका हूँ, वापस जा रहा हूँ। वहाँ पे एक और था एप्पल फोम्स कुछ थे, बट मैंने शूज़ दूसरे लिए हुए हैं ताकि मेरे वाले ख़राब ना हो, तो मेरे को वापस देने के लिए इधर से ही जाना पड़ता, और उधर से मैं वापस चढ़ता 2 किलोमीटर नीचे जाता वापस ऊपर आता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए अभी मैं कैमरा अंदर रख रहा हूँ ताकि कुछ डैमेज ना हो, और आपको मैं नीचे कुफ्री में मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैं अभी नीचे आ गया हूँ कुफ्री में, और गिरने का मामला कैमरा अंदर डालने के बाद भी नहीं थमा,
और अभी टाइम हो रहा है 1:55, अभी मैं जाऊंगा बाइक उठाऊंगा और वापस फिर मोहाली के लिए निकलूंगा। तो अपने शू के लिए जो स्नो नीचे लगाने के लिए होती है स्नो स्ट्रिप्स, वो लेके आए, वरना गिरने का मामला कभी नहीं थमेगा। यहाँ पे मेरा दोनों हाथ सूज गए, ये तो बिल्कुल मेरा दर्द कर रहा है, देखो मुट्ठी भी नहीं भींच पा रहा हूँ, सूज गया है बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या, जब गिरा तो एकदम हाथ आप रखते हो तो वो ना जो ठुक जाता है हाथ, वो हो गया है। तो अभी देखता हूँ जाके मुंह वगैरह लगाऊंगा, अभी चलते हैं धोली, धोली से बाइक उठानी है, सामान उठाना है और इसके लिए कुछ करना है। देखना मुट्ठी भी नहीं भींच पा रहा हूँ, हैंडल कैसे पकड़ूँगा बाइक का। चलिए चलते हैं। टिप्स याद रखना, कुफरी आ रहे हो तो स्नो शूज़ की जगह डायरेक्टली चले जाओ, ऐसे ही सुबह सुबह ज़्यादा पानी नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सुबह सुबह जाने में। आते हुए काफ़ी कीचड़ भरा हुआ था क्योंकि बर्फ़ भी पिघल रही थी धूप की वजह से, तो बहुत इशू आए आने में। चलिए चलते हैं, आगे मिलता हूँ।